दोस्तों, हम चाहे किसी भी भाषा में बात करें, उसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो अनौपचारिक शब्द होते हैं, इन्हें हम स्लैंग वर्ड्स कहते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जो आम बोलचाल की भाषा में तो हम इस्तेमाल करते हैं, बट फॉर्मली इन्हें हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। आज हम जानेंगे कि इन्हीं वर्ड्स को यानी इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे पूरा देखिएगा मेरे साथ। मैं हूँ बलजीत कौर और आप इस वक्त देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। पहला वर्ड है सड़ू। सड़ू, सड़ू को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रम्पी। ग्रम्पी। दूसरा वर्ड है रोतड़ू। रोतड़ू मतलब जो बंदा हमेशा रोता रहता है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। इंग्लिश में आप उसे बोल सकते हैं क्राई बेबी। क्राई बेबी। तीसरा वर्ड है जुगाड़। जुगाड़ को आप इंग्लिश में बोलते हैं हैक। हैक। चौथा वर्ड है बलि का बकरा। बलि का बकरा को इंग्लिश में बोलते हैं स्केपगोट। स्केपगोट। ये बुढ़ा ठरकी है। ठरकी। ठरकी को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं पवर्ट। पवर्ट। उसका कहीं चक्कर चल रहा है। चक्कर चलने को अंग्रेजी में बोलते हैं अफेयर। अफेयर। ही इज हैविंग एन अफेयर। उसका चक्कर चल रहा है। भाड़ में जा। भाड़ में जा। किसी को बोलना हो तो आप बोल सकते हैं गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। चल कल्टी मार, यानी किसी को आप जाने के लिए बोल रहे हैं, उसे भी आप बोल सकते हैं गेट आउट ऑफ हियर। गेट आउट ऑफ हियर। बकवास, क्या बकवास कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट। बकवास को अंग्रेजी में नॉनसेंस बोलते हैं। ये तो ट्यूबलाइट है। जिस बंदे को देर से चीजें समझ में आती हैं, उसे हम ट्यूबलाइट बोलते हैं। आप इंग्लिश में उसे स्लो बोल सकते हैं। ही इज सो स्लो। वो तो बिल्कुल फटू है। पटू। पटू हम उसको कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है। आप उसके लिए विम्प वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट ही इज सच अ विम्प। सो गाइस, ये खत्म होती है हमारी वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा और वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर सच में इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।